उसका नतीजा इनको मिला, उनका फायदा इनको मिला जी। सो बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से, और पूरी कोशिशें पूरी जान इन्होंने लगाई इस बार। और धर्मेंद्र कुमार जी ऑलरेडी MBA इन मार्केटिंग हैं और LIC के अंदर आप जानते हैं कि कई सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ भी कई बारी बातचीत हुई है, आपके साथ भी अलग अलग टॉपिक्स पे धर्मेंद्र कुमार जी की बातचीत होती रही है, अलग अलग समय पर आपको मिले हैं। और मैंने धर्मेंद्र कुमार जी की एक क्वालिटी, इतनी शानदार क्वालिटी जो मैंने देखी है, इनकी जो सबसे ज्यादा पावरफुल क्वालिटी, सबसे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी जो मुझे लगती है, हर किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं। कोई अनजान आदमी मिल जाए, कोई जानकार मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, मतलब आउट ऑफ द वे जाके मैंने देखा है इनकी जो स्पेशल क्वालिटी है, जिसकी वजह से सभी लोग इनको ज्यादा पसंद करते हैं। इवन अभी कल तक भी ये 3 दिन के लिए अपोलो हॉस्पिटल में रुके हुए थे, मतलब शायद मैं आपको कारण बताऊंगा तो बहुत ही मतलब शायद आप में से कोई भी रुकना नहीं चाहेगा कि अपोलो हॉस्पिटल में, मतलब गांव से आए थे तो उनका ध्यान रखने के लिए कि चलो मैं उनकी मदद करूं, कि हाँ उनके छोटे छोटे ट्रीटमेंट कराने थे, चेकअप कराने थे, तो उसके लिए रुके हुए थे। और इवन दफ्तर के अंदर भी अनजान लोगों की मदद कर रहे होते हैं, इवन अपने साथी भी, मुझे लगता है आप में से कुछ साथियों की भी धर्मेंद्र जी ने अलग अलग समय पर हेल्प जरूर करी होगी। एक ये वाली क्वालिटी है जिसकी वजह से सभी लोग हमको पसंद करते हैं और सभी को बहुत अच्छा लगता है इस तरह के व्यक्ति के साथ डील करके। सभी को बहुत अच्छा लगता है कि हमें एक बढ़िया पर्सनैलिटी के साथ, एक अच्छे इंसान के साथ डील करने का मौका मिला। तो एक बढ़िया LIC एजेंट बनने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। सो आप सभी अपने अपने शब्दों में बधाई दे सकते हैं। वैसे तो ग्रुप में आपने अलग अलग समय पर लिखा और शायद आप में से कुछ लोगों की डायरेक्ट बात भी हुई होगी, लेकिन फिर भी आप इंडिविजुअली बधाई दे सकते हैं, हम यहाँ पर गिने चुने लोग हैं। सबसे पहले कौन शुरुआत करेंगे, आप अपने शब्दों में थोड़ा सा ये आपके दिन चाहें तो बधाई दे सकते हैं। सर मी सर कपिल मनीष जी। अच्छा हाँ कपिल ढल जी बताइए। धर्मेंद्र सर कांग्रेचुलेशंस, आप इतने इंटेलिजेंट बन रहे हैं और हमारी टीम में MDRT की है आपने, बहुत बहुत बधाई है आपको। और सर जैसे बता रहे हैं आपकी हेल्पफुल नेचर है, बहुत सबकी हेल्प करते हैं, ये तो है ही, ये तो हम पूछ रहे काफी टाइम से देख रहे हैं। और एक मेरे मुझे जो अच्छा लगता है आपका कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत प्यार से बात करते हैं, जिससे मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं। लास्ट मीटिंग में मेरी वाइफ मिली थी आपसे, तो मैंने उनको मिलवाया था, तो कह रहे थे भैया आप बहुत बड़े प्यार से मिले और बड़ा अच्छे से मिले, तो मैंने उनको बताया था कि बहुत हम पुराने मित्र हैं और काफी टाइम से सर के साथ ही हैं, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ बहुत अच्छी नेचर है इनकी। तो सर देखिए इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका इतना अच्छा पड़ता है सामने वाले के ऊपर, उससे काम का तो फिर ऑटोमेटिक मोड पे आएगा सर वो तो। तो अगेन सर बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू कपिल जी जी। सो कपिल जी इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि जब आप उनकी वाइफ से मिले तो उनके ऊपर इंप्रेशन इतना अच्छा लगा, उनको अच्छा लगा आपसे मिलकर, कि अगली बार यदि आप कपिल जी के घर चले गए तो मेरे ख्याल से चाय के साथ पकोड़े, बिस्कुट और क्या बोलते हैं अब ढेर सारा सामान आने वाला है। अच्छा चलो ठीक है, और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे, बधाई अपने शब्दों में देना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई हो सर मनीष जी। और अपनी सबसे बड़ी बात है अपनी टीम के लिए इंस्पिरेशन बने, मोटिवेशन मिलेगा सभी पूरे टीम मेंबर को, सबसे बड़ी बात तो ये है सर। और मैं भी देखता था हमेशा लगे रहते थे और पूरा फोकस इन्होंने कर लिया था जिसका रिजल्ट आया, और बहुत बहुत अच्छा लगा सर अपनी पूरी टीम मेंबर के लिए एक इंस्पिरेशन बने, जो पूरा गैप था इन्होंने भर दिया, सोना था एक भी वो नहीं था। और पहली पहला अटेम्प्ट इनका हुआ, मैं चाहता हूँ फटाफट सबके अब हो। बिल्कुल मनीष जी आप सही कह रहे हैं, डेफिनेटली सभी का MBRT होगा, डेफिनेटली सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश करने में लगे हैं। और आज धर्मेंद्र जी बताएंगे किस तरीके से उन्होंने किया, क्या क्या उनको दिक्कतें आई, किस तरीके से वो उन दिक्कतों को ओवरकम कर पाए, और आप भी किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं,
एमडीआरटी का मतलब है लाख रुपए महीने का कमीशन। एमडीआरटी का मतलब है 2021 के अंदर जो है आपका तकरीबन 10-11 लाख रुपए का कमीशन से ज्यादा ऑलरेडी आपका हो चुका है। और एमडीआरटी का मतलब है कि आपने ये जो 2021 में जो काम किया है इसका जो रिन्यूअल कमीशन तकरीबन 38-39 लाख रुपए आने वाले सालों में भी आपको मिलता रहेगा। एमडीआरटी का मतलब है कि एलआईसी की तरफ से आपको अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है, लास वेगस सपनों की नगरी उसको बोला जाता है, तो वहां पर आपको जाने का मौका मिल रहा है। बहुत ही शानदार जगह है अमेरिका में लास वेगस, बहुत ही शानदार जगह है। अभी 3 दिन पहले एक हस्बैंड वाइफ आए थे और हमारे पास अमेरिका से इंश्योरेंस समझाया था धर्मेंद्र जी ने, उनको बता रहे थे लास वेगस जो है कितने मजेदार जगह है और क्या क्या उन्होंने स्पेशल टिप्स दिए हैं धर्मेंद्र जी को लास वेगस जाने के पहले। और बहुत ही शानदार लगेगा कि हमारी टीम के सभी साथी इकट्ठे चलें लास वेगस में क्वालिफाई करके, एमडीआरटी सभी लोग इकट्ठे चलें। एंड और कोई साथी बधाई देना चाहेंगे? मनीष जी थैंक यू। हमारे साथ अभी इस समय यहाँ पर जुड़े हुए हैं दीपक कुमार सिन्हा जी, हरिराम जी, विनीता, मोनिश खन्ना जी, राजेंद्र सर, मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ हाँ बताइए बताइए विनीता जी बताइए। थैंक यू कुमार जी हमारी टीम के लिए। और अब नेक्स्ट कौन है? मनीष को लेते हैं। नहीं नहीं विनीता मैडम, हमारे टीम में मनीष है, राजेंद्र जी है हमसे सीनियर है, कपूर साहब है, अग्रवाल सर है, ये सब तो बहुत नियर बाई में है। गाइड करेंगे ना आप मनीष को और राजेंद्र को गाइड करेंगे? राजेंद्र तो आए नहीं है शायद। नहीं नहीं हमारी लेकिन बहुत लंबी बात हुई है कल, लगभग 45 मिनट्स राजेंद्र जी से मैंने, उन्होंने मेरे से बहुत अच्छी से बातें किया, मैंने भी बताया अपना कैसे कैसे हमने किया था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह पूछा और उन्होंने बोला भी है कि अगले मतलब जो 31-32 दिन है वो अपना 100% कोशिश करेंगे कि क्वालिफाई हमारा हो जाए, उन्होंने मेरे को कल कमिटमेंट भी किया था। 32 डेज बचे हुए लेकिन कुमार जी इसको कंटिन्यू करना है अपने। मैम ये तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको 100% करना है कंटिन्यू, वो मतलब मेरे को जितना करने की खुशी नहीं उतना ज्यादा मैं एक तरह से अपने आप को इस प्रेशर में हूँ कि किसी जो भी हो एटलीस्ट कंटिन्यू मेंटेन हो, एटलीस्ट अगला जब तक हम 20-25 साल एसोसिएटेड है तब तक एटलीस्ट इससे ऊपर ही जाए, नीचे की तरफ ना देखना पड़े। और आप तो एटलीस्ट तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि मुझे तो कस्टमर ही ढूंढ के लाने हैं। सर इनको दोनों को गाइड करो आप और आपका कंटिन्यू रहना चाहिए, बस यही कह रही हूँ मैं। और कांग्रेचुलेशन 100% मैम। थैंक यू मैम, सबसे बड़ा तो आपका योगदान होता है। नहीं सर आपकी मेहनत है और सर की मेहनत है। नहीं नहीं बहुत सपोर्ट करती है हेल्प से हमारे सारे काम हो जाते हैं। कोई भी छत होता है ना तो एक सिंगल पिलर पर नहीं खड़ा होता है, उसको सपोर्ट के लिए 3-4 पिलर चाहिए होता है, तो हर एक पिलर की अपनी एक अलग महत्व होता है, वो अलग बात है। ठीक है आप ऑपरेशन के पार्ट या एनवी के पार्ट हो या बहुत सारे, जैसे मैं रीइन्वेस्टमेंट केस भी मैंने कुछ लाए थे, अब फटाफट जाना बनाना फॉलो करना जो ड्यू डेट आया उस दिन जाकर नंबर लगवाना, कितने मैंने वो सब केसों में फॉलोअप नहीं किया। ठीक है मैंने फॉलोअप किए अपने जो कस्टमर से बाहर आउटसाइड, कस्टमर के पास जाना चेक उठाना जो भी था या कस्टमर को एडुकेट करना, खास करके अभी तो पिछले जो कुछ दिनों से मैंने पॉलिसी बेचना बंद कर दिया था क्योंकि सर ने एक ट्रेनिंग में हमें पार्टिसिपेट कराया था राजेश टैगोर सर का, तो बीच में फिर मैंने सॉरी मैं ज्यादा हो गया। थैंक यू विनीता मैम। ओके सर। और कोई साथी? जी 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 विनीता, और कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे? ओके सो हम लोग शुरुआत करते हैं, मैं एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ धर्मेंद्र कुमार जी को बुलाते हैं, किस तरीके से उनका जर्नी रहा, किस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया, क्या क्या उसके लिए उनको करना पड़ा और किस तरीके से उनका क्वालिफाई हो पाया और आपका भी किस तरीके से आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। जोरदार तालियां धर्मेंद्र जी के लिए। धर्मेंद्र जी वेलकम। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपके लिए थैंक यू क्योंकि आपने हमें मोटिवेट किया, अदरवाइज मैं तो सोचता था चलो ठीक है वो LIC मैंने ज्वाइन ही इस पर्पज से किया था, किराया आना चाहिए फर्स्ट टारगेट था, किराए आ जाना चाहिए, उस समय 4,000 रुपये बस 30-40,000 रुपये साल का है काफी है,
फिर किराया बढ़ा तो चलो थोड़ा सा इनकम बढ़ जाना चाहिए, ऐसे करते करते 18 साल हमने निकाल दिए। लेकिन लास्ट ईयर कोविड में हमने थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिला आपके साथ दिया, आपने गाइड किया हमें कि नहीं बेटर अगर फुल टाइम में करे तो अच्छा फ्यूचर है। रात में साथ में ब्रांच में हमने 2-3 लोग हमारे इंस्पिरेशन हमेशा रहे हैं एज ए एजेंट, राकेश गुप्ता सर, नितिन सर जो कंटिन्यूटी 14-15 साल से कंटिन्यू, राजीव जैन सर जो मेंटेन किए हुए हैं, तो उन लोगों को देखा था दैट मीन्स कि यहाँ पे भी अगर 100% हम फुल टाइम काम करें और 100% जैसे हम जॉब में अपना देते हैं तो एटलीस्ट 60-70% भी यहाँ पे दें तो एटलीस्ट हम उतना पैसा उस अर्न कर सकते हैं और 100% देंगे तो उसे डबल और ट्रिपल अर्न कर सकते हैं। ये मेरे को बात समझ में आ गया था, जैसे राकेश सर से मिलता था या उनकी लाइफ स्टाइल खर्चे जो थे वो सब देखता था, या राजीव जैन सर भी थे, बहुत सारे अपने टीम में हमारे हैं ऑलरेडी जो ब्रांच में, दूसरे जगह देखने की जरूरत ही नहीं, अपने ब्रांच में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लाइफ जी रहे हैं LIC से पैसे कमा के और बहुत अच्छे पैसे, तो उन लोग को देखता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ाता था, लगता था कि नहीं वो पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फिर फाइनली मैंने सितंबर में डिसाइड किया जो आपसे मिला भी था उस समय कि नहीं एक बार कोई बात नहीं है, लाइफ में एक बार रिस्क लेने में हर्ज नहीं है, करना चाहिए, फिर मैंने स्टार्ट किया। लेकिन सितंबर मेरा अच्छा रहा, अक्टूबर नवंबर वापस कोई खास नहीं रहा, दिसंबर भी नहीं रहा, लेकिन जनवरी में वापस, लेकिन ये 3-4 महीने जो हमने कस्टमरों के पास एटलीस्ट खाली सर्विस पार्ट्स दिखता रहा, जाते रहे तो जनवरी से थोड़ा सा रिस्पॉन्स हमें मिलने लगा। और उसी बीच में सर जो आपने राजेश टैगोर सर का जो हमने ट्रेनिंग ज्वाइन किया तो उन्होंने जो हमें ट्रेनिंग देते रहे जो हमें बताते आए तो एटलीस्ट उसका 10-15% हम अपने लाइफ में अमल करते गए। 100% तो पॉसिबल नहीं है, जितना वो गाइड करते हैं जितना वो डिसिप्लिन बताते हैं उतना तो अगर 100% अगर करे तो TOT तो कुछ भी नहीं है, 10 times TOT भी कर सकता है बंदा जितना वो बताते हैं, जब वो 5 बंदे से डेली मिलना है। हाँ लेकिन उनके कुछ पॉइंट्स मैं अभी अपनी लाइफ में एकदम 100% फॉलो, एक सर्विसिंग वो जो कि मेरी एक्चुअली ब्लड में शुरू से है, मैं चाहता हूँ कि हेल्प वो किसी भावना से नहीं करना चाहिए कि वहाँ मेरे क्या मिलेगा, हेल्प होता है उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है कि उसने पॉलिसी कराएगा नहीं कराएगा, जिस बंदे को हम हेल्प कर रहे हैं वो मेरे को वापस करेगा नहीं करेगा, उसका कुछ नहीं होता है, दैट्स हेल्प होता है, आप चाहो तो हेल्प करो। वो मेरे को फर्स्ट दिन से मेरे को ये नहीं कि इंश्योरेंस, जिस फील्ड में मैं रहता हूँ अपने अगर ऑफिस में भी था तो मैं अपने ऑफिस में हर किसी को हेल्प करता रहता था, वो मेरी नेचर है, तो वो एक बहुत मेरे लिए एज ए इंश्योरेंस फील्ड के लिए मेरे को लगा कि बहुत जहाँ भी जाता हूँ मेरे को रिस्पेक्ट और रिगार्ड बहुत ज़्यादा मिलते हैं जिसके कारण, तो वो मेरे लिए अंदर से इंटरनल मोटिवेशन हो जाता है। जैसे मैं लास्ट टाइम मैम अभी आई थी कुछ दिन पहले तो उन्होंने जैसे बात बात किया था उन्होंने, मैं गया तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगी, कहीं नहीं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जो भी कस्टमर जाता हूँ बोलते हैं तो थोड़ा सा अंदर से कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस जो होता है ज़्यादा हो जाता है। प्लस दूसरी सबसे ज़्यादा जो कंटिन्यूटी आया उस और कस्टमर के अंदर से रिस्पेक्ट आया वो राजेश टैगोर सर का एक जो क्लास था उन्होंने बोला था डोंट सेल इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी मत बेचो। पहले आज तक हम ट्रेनिंग करते थे बोलते थे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचो, जरूरत बेचो, नीड क्रिएट करो, नहीं उन्होंने एक चीज बोला था एडुकेट करो बंदों को। रिजल्ट नो डाउट थोड़ा सा उसमें कम आता है लेकिन जब आता है उसका खुशी बहुत अच्छा होता है क्योंकि सामने वाले से ऑर्डर आता है, सामने वाला पूछते हैं हमसे कि पॉलिसी करानी है, उसमें एक प्लस पॉइंट होता है रिवेट खत्म हो जाता है, तो अगर सामने वाला अगर बोलता है तो। दूसरी बात क्या होता है कि हमें अंदर से लगता है कि हमने अगर एडुकेट किया 10 में से 6 तो बंदे हो सकते हैं हमसे नहीं लेते हैं पॉलिसी, कहीं और से लेते हैं और हमें बता भी देते हैं सर मैंने करा लिया, फिर भी वहाँ पे हमने बोलते ठीक बहुत अच्छा किया ये बहुत अच्छा प्लान है, तो वो सब चीज़ें क्या होता है कि ट्रेनिंग में जो हमें सिखाया था राजेश टैगोर सर ने वो बहुत काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है एडुकेट करने वाला। और उसमें क्या होता है हम बहुत पैसेंस रखते हैं कस्टमर के पास कि जाते हैं हड़बड़ाते नहीं एकदम प्लान बनाना, प्लान आराम से 1-2 घंटा उनको एडुकेट करते हैं उनसे सुनते हैं, उसके बाद भी अगर दूसरे तरफ जाना चाहते हो तो हम उनको बाउंडिंग नहीं करते हैं, नहीं गुड है जाइए जब पॉलिसी बाउंड आ गया हाँ ये करते हैं सर आपने करा लिया बहुत अच्छा कराया अब सर इसको एक बार पढ़ लीजिए आप, तो कहते मेरे को समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल में 3 पॉलिसी मैंने अभी सरेंडर कराए मैक्स का, उन्होंने उनको कमिटमेंट किया था 3 लाख प्रीमियम देके कि 6 लाख रुपए हम आपको ईयरली पेंशन देंगे उमंग के तरह, जबकि उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख गारंटेड है और 4.5 लाख रुपए एज पर हमारा परफॉर्मेंस बेस पे है। फिर जब कस्टमर ने पढ़ा तो बात किया बोला कि हाँ करेक्ट है यही हमारी प्लान की फीचर है,
तो फिर उन्होंने पॉलिसी कैंसिल कराई। उसी तरह HDFC के कस्टमर ने था, मैंने उनको मना नहीं किया, बोला नहीं LIC से HDFC बेटर है। मैंने बोला कि यस सर 100% बेटर होगा अगर आपको समझा के गया, पॉलिसी ले लिया उन्होंने भी, तो उन्होंने ले लिया। फिर उनको वैसा आया, फिर मेरे को फिर उन्होंने कॉल किया कल कि देखो एक प्लान है, सब ये लिखा हुआ है, इसमें तो ये लिखा हुआ है सर ऑलरेडी कि आपको 15 साल तक हम देंगे पेंशन, 15 साल के बाद आपका हमारा रिलेशन खत्म। कल कि नहीं, उसने तो बोला था पूरी जिंदगी मिलेगी। नहीं, अब बात करो कॉल करके, ये पॉलिसी हमारे पास ऐसे ऐसे लिखा है, क्या सही है गलत है। जब उन्होंने ब्रांच मैनेजर के पास गए विजिट किया, ब्रांच मैनेजर ने बोला नहीं हम सर 15 साल तक ही पेंशन देंगे आपको। फिर उन्होंने HDFC का कैंसिल कराया। अगर उनको हम उस समय बोलते कि जीवन उमंग हमारा बेटर है, जीवन उमंग हमारा बेटर है, शायद उनको विश्वास नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट ठीक है, हाँ कस्टमर को हमने एडुकेट किया, साथ में फॉलो भी रखना है। उन्होंने अगर कहीं और से लिया है तो उनको लेने दे, हम ये नहीं कर सकते कि आप नहीं, हमारा एक प्रोडक्ट अच्छा है आप लो। अगर उन्होंने लिया तो फिर ठीक है, उनको गाइड करना है अगर उनका कॉल आता है तो सेल्स और सर्विस, मतलब सेल्स सॉरी एडुकेट और सर्विस दो प्राइम जो लास्ट 1 ईयर में मैं अपने आप में चेंज किया है। सर्विस तो पार्ट पहले भी मैं देखता था, लेकिन बेसिक अपने पॉलिसी होल्डर को। अब आज के डेट में अगर मैं ब्रांच में थोड़ा ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि मैं एक मेरी आदत था लास्ट 20 ईयर से कि 8:30 7:30 बजे मतलब बच्चों को छोड़ना, फिर कपड़े उपड़े पहन के 8:30 मतलब घर से निकल जाता था और 9 बजे वापस आने का। तो वो मैं चाहता था कुछ को डिसकंटिन्यू ना करूं। अगर मैं घर पे बैठ गया जिस दिन, तो फिर पूरा दिन चाहे तो टीवी मैं देखूंगा या फोन पे बात करूंगा या गेम खेलेंगे कुछ, मतलब ऐसे वेस्ट हो जाता था। तो जिस दिन मेरे पास काम नहीं होते तो मैं हमें एक और भी अच्छा सीखने को मिलता है ब्रांच। मेरे पास जब कोई काम नहीं होता, कहीं समझ में नहीं आता है, बस सीधा घर से निकलता हूँ, बैग उठाता हूँ, ब्रांच में जाके बैठ जाता हूँ। अब वहाँ पे जो लोग आते हैं उनसे मिलते रहते हैं, उनकी सुनते रहते हैं, तो बहुत सारे चीजें हमें बहुत सारी चीजें सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, नॉलेज बढ़ता है उससे। ये सारी चीजें मैंने लास्ट 1 ईयर में जो अपने आप में मैंने किया। और सर्विस पार्ट्स नो डाउट बहुत अच्छा रहा, और ब्रांच में जाने से और मोटिवेशन होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके छोटे छोटे प्रॉब्लम होती है, अब डेथ क्लेम का होता है, किसी का नॉमिनेशन चेंज, बिटनेस सही होता है मैच्योरिटी पेमेंट में, किसी को रेवेन्यू स्टम्प ही 1 रुपए का चाहिए होता है, वो घूमते रहते इधर से उधर, पोस्ट ऑफिस का है अब उनको दे दो, फिर बहुत खुश हो जाते। अब एक रेवेन्यू स्टम्प पे एक मेरी प्रधानमंत्री पॉलिसी हमने बेची थी सर। हेलो जी, हाँ जी हाँ, एक रेवेन्यू स्टम्प देके मैंने एक जो अशोक सिंगला सर को प्रधानमंत्री प्लान बेचे मैंने 5 लाख का। उसके बाद जब उसकी रसीद देने गया तो फिर उन्होंने बोले 40,000 रुपए जो मेरे पास आएंगे, अभी तो जरूरत नहीं, मेरी दुकान अच्छी चल रही है, वो 40,000 रुपए फिर वापस जो पेंशन वाले पैसे थे वो 40,000 भी मेरे को वापस दे दिया उन्होंने अपनी नकनी के नाम पे ईयरली प्रीमियम में 1 रुपए के रेवेन्यू स्टम्प पे। और जबकि मैं फ्री के बस बैठा था, अपना किताब अपना मोबाइल ज्यादा बात नहीं करता, अपने सर रहे विनीता ना रहे, मैं अपना जाके बैठ जाता हूँ 10 बजे। कोई रेवेन्यू स्टम्प मांगने आया साइन करने आया तो देख लिया, अगर सेफ साइड है क्लेम में गया बात किया, अगर हमारे है हमारे एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके साइन कर दिया, किसी का जो भी हेल्प होता है मैं कर देता हूँ। तो कभी कभी 1 रुपया भी 10,000-11,000 रुपया दे के चला जाता है। इस तरह की एक्सपीरियंस ब्रांच में ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे, पहले मैं सोचता ब्रांच में जाके मैं क्या करूंगा, तो ब्रांच में मेरे को ठीक है दो पॉलिसी मिला, दोनों प्रधानमंत्री मिला, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी कम से कम 20-25 हजार रुपया मेरे को देके गया। राइट, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो है, हेल्प करने से बहुत सारा बिजनेस मिलता है। किसके कांटेक्ट मिल जाता है जिसको सुबह पे शाम पे एटलीस्ट हम, क्योंकि सेम बंदे को डेली हम अगर मैसेज करते रहते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारा इमेज जो, वो लोग बोलते मैसेज देख के वो नहीं पढ़ते, उनको समझ भी नहीं आता, सोचते कि LIC ही मैसेज भेजा। तो नए कॉन्टेक्ट आया, हमने दिया नंबर सेव कर लिया, वही 5 बंदे को भेजो ना अगले 15 दिन 20 दिन 25 दिन, उसमें क्या होता है वो अगला 20-25 दिन तक अच्छा रिस्पॉन्स करता है। अगर वो काम का होगा तो जुड़ेगा, काम का नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमने तो क्या किया है, कुछ तो दिया नहीं है, 1 रुपये खर्च किए। अगर एक चाय भी पी लेता 10 रुपये का, 10 रुपये के रेवेन्यू स्टम्प भी अगर ब्रांच में खत्म कर दिए तो क्या फर्क पड़ता है उससे। आपने यदि 1,000 रेवेन्यू स्टम्प बांटा और एक पॉलिसी आ गया तो भी सस्ता है। मेरे को लगता है अगर 1,000 रेवेन्यू स्टम्प ब्रांच में बैठ करके अगर बांट देना तो साल भर में, तो कम से कम पता नहीं जो मेरा एक्सपीरियंस है कम से कम 10-20 पॉलिसी बिक जाएगी। अरे वाह क्या बात है। सर वो डेथ क्लेम का सर आपने देखा था, मैंने केवल बिटनेस किया था क्योंकि न्यूज पेपर में आया हुआ था, बिटनेस किया था, उनके भाई ने तो आपके सामने ही पॉलिसी कराई थी जीवन आनंद, जो आपको कैश दिया था 5,000 रुपया केवल बिटनेस करने का, जबकि वो
जब मेरे को मालूम चला कि वो 5 दिन से घूम रही थी ब्रांच में डेथ क्लेम पैसे के लिए, जो बहुत छोटा अमाउंट था 50,000 रुपए। मैंने बोला 50,000 रुपए में क्या होता है, कुछ तो होना नहीं है, और 5 दिन से कोई बंदा साइन नहीं कर रहा है उसको, और एक एजेंट के साइन के बिना पैसा नहीं दे रहे हैं क्लेम वाले। मैंने बोला मैं साइन ही कर देता हूँ। अब उसने पहले तो कैश दिया उन्होंने, फिर मैंने मना कर दिया नहीं मैं कैश नहीं लूंगा। तब उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 5,000 रुपए पे कर सकता हूँ ईयरली, 5,000 का प्रीमियम की पॉलिसी। तो जीवन आनंद अपने बीओसी काट के उनको दिया था। उसी तरह एक अपनी टीम के किसी आए हुए थे, एक दिन हमें टकरा गए थे मैम एमसीडी के जो टीचर मैम थी, इंदिरा मैम के साथ कस्टमर थे द्वारका का। तब तो कितनी अनवाइड घुस इनकी थी 10 बजे, LIC चोर है ये, बदम पूरी ब्रांच उठा लिया सर पे उन्होंने, उनको बैठाया, फिर चाय साय पिलाया, फिर आप फिर तब तक आप भी आ गए, फिर उनके सारे पॉलिसी वगैरह चालू कराया, कुछ सारे काम कहीं मेडिकल तक कराया। फिर उन्होंने बोलने लगे मेडिकल के पैसे कितने लगे, उन्होंने घर पे मेरे को बुलाया घर, वो एक्सपीरियंस तो मैं शेयर करूंगा। तो घर पे बुलाया, मैंने बोला चलो ठीक है भाई, रिवाइवल कराया मैंने तो कहीं पैसे उसे मेडिकल के लगे, वो देने उने के लिए बुलाया होगा। तो मैंने मेडिकल वगैरह करा के सारे पॉलिसी आठों के आठों रिवाइव करा दिए उनके, उन्होंने 8 चेक हमें छोड़ के चले गए थे, आपके सामने छोड़ के गए थे वो, तो रिवाइव करा के मैं ले गए। तो मैं उनके बेटे को समझा रहा था, उन्होंने बोला पोर्टल वोटल पे समझा रहा था, वो आई उन्होंने लैपटॉप साइड में उठा कर रख दिया, बोला चलो ठीक है हो गया ना, बाद में बात करते हैं। तो मेरे को लगा कि मतलब मेरे को कह रहे हैं कि मतलब जाओ अब हो गया, ऐसे थोड़ा देर के लिए मेरे को अंदर से फील आया। फिर मैं थोड़ा सा अपना बैग को हल्का अपने तरफ पुल किया, फिर उन्होंने क्या किया वो लैपटॉप को उठाकर साइड में करके जो टेबल था पूरा टेबल साफ किया। उसे बोलो ये सब कुछ काम नहीं होंगी, पहले तेरा खाना और चाय डीब है, पहले खाना और चाय कहो उसके बाद आगे की बातें करेंगे। पता नहीं सर वो मैं जबकि ब्रेकफास्ट करके गया था, उन्होंने 11-12 तरह के आइटम खाने का थाली में लेके आ गए, 4 थाली अपने हस्बैंड का अपना बेटे का 4 थाली लेके। फिर धीरे धीरे किसी तरह मुश्किल से मैंने सारा फिनिश किया, क्योंकि तो छोड़ भी नहीं सकता था, फर्स्ट टाइम गया था, वो उन्होंने क्या कर धीरे धीरे करके मैंने फिनिश किया। उसके बाद आए फिर आराम से सो गए, फिर अपने पर्स से वो 500 के 10 नोट निकाला बेटे का सारा काम करने के बाद, कि बेटा तूने बहुत हेल्प किया, 5,000 रुपया मेरे तरफ से एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ। कहले कि नहीं मैम ये तो हमारा काम था, तो आपको ट्रबल हुआ हमारे टीम मेंबर के कारण, आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, रिवाइव कराना पड़ा, मैच्योरिटी का आपका 1-1 साल डिले पेमेंट हो गया, उसके लिए तो सॉरी हमें बोलना चाहिए, आप क्यों पैसे दोगे। तो नहीं नहीं आप तूने बहुत हेल्प किया, पैसे तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। कहले मैं पैसे तुम्हें एकदम नहीं लूंगा। तो फिर उनके हस्बैंड उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटा रख लो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ों का आशीर्वाद है। कहले कि नहीं आशीर्वाद आशीर्वाद होता है, पैसा थोड़ी होता है। तो फिर उनका बेटा ने ऑफर किया, बोला कि नहीं सर ने एक प्लान समझाया था, अगर पैसे नहीं लेते हैं तो जो सर ने प्लान समझाया था वो हम पॉलिसी इनसे ले लेते हैं। तो फिर जो आपने उनको जीवन उमंग समझाया था 1 लाख प्रीमियम का, तो उन्होंने 1 लाख का जीवन उमंग का चेक तुरंत काट के हमें दे दिया। तो एक प्लस पॉइंट क्या हुआ है, तो हमने सर्विस किया था निस्वार्थ भाव से, एक तो बंदा कस्टमर हमारे एक फैमिली हमारे साथ जुड़ गए। क्या सर धर्म जी के लिए पहले तालियां बजा दो सर एक बार इस बात के ऊपर। और 1 लाख का चेक उन्होंने दिया है, तो 5,000 हमें मतलब 5,000 रुपए हमने सर्विस किया, 5,000 भी हमने छोड़ के आ रहे मतलब उठ गया था मैं चल गया, वो हमें 35,000 रुपए दे गया। अभी रिन्यूअल कमीशन भी आएगा उसमें से, रिन्यूअल कमीशन भी आता रहेगा। रिन्यूअल तो रिन्यूअल तो बात की बात है, मतलब अपफ्रंट में हमें 35,000 रुपए दे के गए। हाँ अभी वो आपको रेफरेंस भी देंगे। अरे हाँ नहीं बेटी के भी करना है, वो मैं बीच में भूल भी गया था, दिवाली में न्यू ईयर भी विश करना, उनका मैसेज आया फिर कॉल आया, और बेटा बहुत दिन से आया नहीं इधर, कह ली कि नहीं नहीं थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था इसलिए, तू तो बोला कि हमेशा जब भी आऊंगा तो चाय पीने आऊंगा, और जबकि मैं तो जाता रहता था, मैं सोचा काम नहीं है तो क्या जाऊँ अच्छा लगेगा नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम्हें आने पड़ेंगे। फिर मैं भी एक दिन गया था, फिर बुलाया तो मैं गया द्वारका में, फिर काम तो कुछ नहीं था फिर भी मैं गया, उन्होंने बुलाया, मुझे नहीं पता था उन्होंने फिर एक गिफ्ट खरीद के रखा हुआ था, बोला तुम्हारे लिए दिवाली, क्योंकि मैं तो बिहार चला गया था, तो 4-5 दिन के बाद कहिए तुम्हारी मिठाई पड़ी है इसलिए मैंने सोचा कि तू आएगा दिवाली पे, आया ही नहीं। कहिए मैंने को नहीं विश्वास था कि अब उन्होंने इसके लिए फोन कर रहे हैं कि मिठाई आके ले जाओ अपना। आपका व्यवहार उनको बहुत ही अच्छा लगा, उनकी बेटी कनाडा में है और उनकी बेटी को भी मैंने कहा था पॉलिसी आपसे कराने के लिए, और अगला पॉलिसी आपके पास उनकी बेटी का भी आने वाला है। यस यस सर बोला है उन्होंने, कम नहीं आएगा, कम से कम 1 लाख ईयरली से कम से कम उतना तो प्रीमियम होगा ही उसका। मैंने उस समय उन्होंने पूछा था, तो बोला था कि देखो अच्छा लगेगा नहीं कि बेटे का करा ले, तो मैं मना कहां कर रहा हूं,
मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप उनको कराओ, जब वो दोनों को आप इकट्ठे करा लेना, जब होगा आप बता देना आप हमें। बोला नहीं नहीं आप आए हो तो खाली आ तो मैं भेजूंगा, नहीं चाहते पैसे लेके जाओ। चलिए मैं पैसे तो एकदम नहीं लेके जाऊंगा, चेक दे दोगे चेक लेके चला जाऊंगा, पैसे मैं लेके नहीं जाऊंगा। इस तरह से सर मेजर मैं सर्विस पे किया था। अभी मिस्टर कुमार हमारा वो मीटिंग का जो है ना वो 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, तो हम लोग जैसे ही कट हो जाएगा तो दोबारा से हमको उसी लिंक से फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा सर। मैं तो थोड़ा सा हाँ, तो ये थोड़ा सा इसका सभी लोग ध्यान रखें कि भाई जैसे ही अपने आप कट हो जाएगा तो दोबारा से वहीं से ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हेल्प करते न्यूटन के जो सेकंड लॉ, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो हेल्प में 100% है कि जितना आप किसी को दोगे हो सकता है वहां से वापस ना आए, कहीं और से आए, वो आएगा आपके पास किसी न किसी रूप में। हो सकता है कोई तीसरा खड़ा हो जाएगा जो आपको दे जाए, जरूरी नहीं है कि जिसने आपने किया, हो सकता है कोई कैपेबल नहीं था देने के लिए, उसको हेल्प आपकी लिखा हुआ था आपकी हेल्प से उसका काम होना, लेकिन दूसरा कोई आ जाएगा जिसको किसी और ने हेल्प किया था लेकिन वो उसको नहीं लौटाया, वो हमें लौटा दिया। किसी न किसी रूप में रिटर्न बैक आता है, उसी का नतीजा जो हुआ है, दैट्स इट। अदरवाइज मैं सीरियसली बोलूं, दिल से बोलता हूं, मैंने उतना मेहनत नहीं किया है जितना मैं अपने प्राइवेट जॉब में करता रहा। वो बात मैं कल भी विनीता को नहीं, वो गगर सर को बता रहा था और अयूब जी को कि मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी भी कभी कभी दो दो दिन तक घर से नहीं निकलता हूँ। वो वही गंदी आदत है कि अगर 9:30 में निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला जहाँ 11-12 बज गए फिर सोचता हूँ कहाँ जाऊँगा क्या जाऊँगा, छोड़ो ऑफिस तो जाना ही नहीं है। और 9:30 निकल जाता हूँ तो क्या होता है, कभी ब्रांच में गए आधा घंटा किसी को, फिर वहां बैठ के फोन करते रहते हैं तो जिससे बात हुआ वहां चले गए। क्योंकि वो जो हमारा मेन प्रिंसिपल है, घर से निकल जाओ, काम कहीं ना कहीं ना भी है तो ब्रांच जाके बैठ जाओ, फिर अपने आप कहीं ना कहीं काम आएगा तो निकल जा सकते हैं। घर में बैठे रहते हैं तो फिर हम अगले दिन के लिए शेड्यूल कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। जब हमारे पास कोई भी काम नहीं है तो ठीक है ना, हमारा ऑफिस कौन हटा देगा, अपना आराम से बैठे रहेंगे चेयर लेके, कोई भी बोल सकता थोड़ी, इधर बिजी है तो पीछे बैठ जाएंगे, पीछे बिजी है तो एबीएम के रूम में बैठ, कहीं भी बैठ गए, पीएस रूम में जाके बैठ, कहीं भी बैठ गए 5-10 मिनट तो खड़े घूम लिए, क्या दिक्कत है। अभी तो ऐसा तो हुए नहीं कि चेयर के सहारा की जरूरत है, और वहां के आसपास रहने में कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने ये फील किया है कुछ ना कुछ मिलता है, एक्सपीरियंस ही बहुत तरह के मिल जाते हैं, कैसे केस पास हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने इतने सारे मेडिकल बाहर करा लिए, जबकि हमने कभी एक जमाना था जब एलआईसी ज्वाइन किया था तो दिल्ली में मेडिकल कराने के लिए मैं डरता था, हमने दिल्ली के बाहर मेडिकल करा लिए और एक एक दो दो दिन में करवा लिए। ये तो बहुत ही काबिले तारीफ बात है कि बिहार का मेडिकल आपने मतलब एक या दो दिन के अंदर बिहार का मेडिकल खटाखट फटाफट बिल्कुल एकदम से करवा डाला। ये तो आपका अभी जो है दिल्ली के बाहर के मेडिकल का कराने का आपका मास्टरी हो चुका है। हाँ, बिहार ने रायपुर कैसे भी हमने डिविजन रिक्वेस्ट करके कोऑर्डिनेट करके सेम डे, मतलब हमें लगा कि मंडे को होगा, लेकिन सैटरडे को जिस दिन हमारे मीटिंग था वहां पे उस दिन फोन आया कस्टमर का, क्यों तो मेडिकल के लिए बुला रहे हैं। मैंने बोला कि यार हम तो अभी रात को मेल ही किया था, इतना फास्ट रिएक्शन हो गए। मैंने रिक्वेस्ट किया था शाम को, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था कि सुबह ही चला जाएगा मेडिकल करने। इवन आपका जो है ना कि हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर बढ़ते है ना तो पता नहीं वो रिजल्ट भी अपने आप पॉजिटिव होता रहता है, प्लस ये सब चीजें हैं। इवन डिवीजन ऑफिस के अंदर भी यदि आपका जो प्रपोजल जैसे पास करना है तो वहां पर भी आप जब जब आप वहां पर गए आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों को एक्सप्लेन किया। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रपोजल के बारे में डिवीजन में उनको एक्सप्लेन किया कि आपके प्रपोजल वो लोग जो है सबसे पहले पास करें, फटाफट पास करके दें, तुरंत पास करके दें बिना किसी रिक्वायरमेंट के। ये भी आपका जो स्वभाव है जिसमें लास्ट टाइम हमने गया तो उन्होंने बोला कि यार ए तो तुमने साइन कहाँ से करा के लाए हो, कल कि मैम 2 मिनट रुकिए, मैंने क्या अपनी जो फ्लाइट के टिकट के 9 कॉपी करा कर रखा हुआ था अप डाउन दोनों का, वो मैंने पहले से करा कर रखा हुआ था 18 कॉपी, उन्होंने मैंने निकाला, मैंने कहाँ किस फॉर्म में लगाना है मैम, तो बोले क्या लगा रहे हो, बोले टिकट, कल किस डेट का साइन है, बोला 17 तारीख का, ये देखो मेरे 16 तारीख का टिकट है, 16 को गया था मैं, 17 को साइन करा के 19 को वापस आया हूँ, 19 तारीख का टिकट है दोनों। उन्होंने देखा फटाफट जो सारे मार्च में 9 के 9 केस मतलब 1 घंटे में सारे पास कर दिए उन्होंने। अगला दिन लेकर गया दूसरा केस पीयूष जैन का मेडिकल का,
उन्होंने खुद डॉक्टर के पास ले गई, दीप्ति श्रीवास्तव मैडम लेकर गई डॉक्टर, जबकि जा रही थी लिफ्ट के पास थे डॉक्टर, फटाफट मेरे साथ दीप्ति मैडम लिफ्ट तक आई, डॉक्टर को दिखाई, बोला कि सर ये थोड़ा बहुत हार्ड वर्क है, प्लीज इस पे देख लो आप इसको, ये केस अभी पास हो जाएगा। डॉक्टर ने पता नहीं देखा कि ना देखा, कुछ नहीं, उसने उस पर साइन कर दिया, वो साइन कर दिया, उसके बाद दीप्ति मैडम ने तुरंत उसका डिसीजन डाल दिया। तो मतलब कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि सेम डे लेकर गया हूँ शाम को 7 बजे और 8 बजे मालूम चला कि डिसीजन हमारा आ गया है। और 8 बजे भी डिसीजन जो है वो डिवीजन का, वो कोई इधर उधर का नहीं, डिवीजन का, जोन का, मतलब आपके जो केसेस हैं इतनी फटाफट पास हुए हैं, जो आपका स्वभाव है कि भाई लोगों की मदद करने का, तो उसका जो फल है वो कहीं ना कहीं से आपको मिला है। यस सर, 100% मिला सर, इसमें तो कभी भी मैं नहीं कह सकता हूँ, 100% है। आप बताना चाहेंगे एजेंट बनने के पहले आप क्या किया करते थे? सर मैं सर्विस कर रहा था, लगभग हमारे टीम में सबको पता है कि मैं वोडाफोन कर रहा था, इस में था। उसके पहले हमने दो जॉब किया, आईसीसी बैंक में पहले 10 साल किए, 10 साल वोडा 2009-10 से 10 साल आया वोडाफोन में, लगभग ऑलमोस्ट सब जानते हैं हमारे टीम में। और ये बात भी था कि मैं LIC एज ए पार्ट टाइम करता था, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये तो होता था कि 12-15 पॉलिसी अपना, जो हमारे मेंटलिटी थे पूरे 100% दिमाग में था कि घर के खर्चे किराए उराए जो है ना वो आ जाएंगे, छोटा मोटा जो LIC के पॉलिसी वगैरह है उसका प्रीमियम LIC से चला जाएगा, हमारा सैलरी पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं LIC ज्वाइन ही, रवि ने, सॉरी सबसे बड़ा थैंक यू तो रवि का कहना चाहिए, क्योंकि हमें तो आपके पास रवि ही लेके आया था, हमारा तो फर्स्ट गुरु भी वही था, आया था बेचारा पॉलिसी देने मेरे को, और फिर मैंने उससे बात उत करके फिर उसने बोला कोई बात नहीं आप पॉलिसी नहीं लोगे तो चलो मेरे सर के पास चल के आप एजेंट ही बन जाओ, फिर अपनी पॉलिसी आप करा लेना। और वो दिन है और आज का दिन है, रवि अभी भी हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं है, ब्रांच में रवि अभी भी हमारे काम पे, अगर बॉन्ड भी पड़ा रहता है NB में अपना लेने जाता है, मेरा देखता तुरंत उठा लेता है, बहुत सारा हेल्प अभी भी आउट ऑफ जाके, हमारा एक प्रपोजल भी लेके आया पटना से, चेक तक लेके आया, कस्टमर से मिला, सारा डिटेल्स वगैरह सारे फॉर्म फिल वगैरह करके सब करके लेके आया पटना से। आपका स्वभाव ऐसा है जब आप हर किसी की मदद करते हैं तो बाकी सबको भी लगता है कि आपकी मदद करनी चाहिए, अनजान आदमी भी आपकी मदद करने को बिल्कुल स्वभाव जो है नेचर आपका देख के उसका इच्छा करता है कि आपका हेल्प करना चाहिए। और सबसे